हरे कृष्णा। तो आज हम जिस सवाल पर चर्चा करने वाले हैं वो ये है, इज़ इट नेसेसरी टू बी वेजिटेरियन इन ऑर्डर टू बिकम अ डिवोटी और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। तो क्या वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना ज़रूरी है? वेल, गिगो आप सब जानते हैं, गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, हमारे विचार होंगे। तो अगर हम बहुत ही गर्म खाना खाते हैं, जो बड़ा राजसिक खाना है, तामसिक खाना है, तो अगर ऐसी चीज़ें खाते हैं तो इसी चीज़ का हमारा ये शरीर भी बनता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है जिसमें हमारा मन, बुद्धि और अहंकार है। तो जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा, हमारी बुद्धि बनेगी, हमारे विचार बनेंगे। तो कैसा अन्न हम लोग खा रहे हैं ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि भाई हमें आप क्यों तंग कर रहे हो? ठीक है, आपको वेजिटेरियन खाना ना, आप खाओ, आपको जो खाना आप खाओ, जो हमें खाना हम खाएंगे, आप भला हमें क्यों तंग कर रहे हो? वेल, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम वास्तव में अपना कंसर्न शो करते हैं कि माय डियर, अगर आप ये गर्म खाना खाएंगे तो आपको बड़ा, देखिए आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। मैं जब न्यू जर्सी में था और मैं जब काम करता था तो उस वक्त मेरी कलीग थी, उसका नाम था कैरी मॉरिस। उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ी, उसकी बेटी का नाम था लैला। तो उसने मुझसे आके कहा कि ना मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई है, आप तो स्पिरिचुअल हैं तो आप क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करते कि मेरी बेटी ठीक हो जाए? तो मैंने उससे कहा कि अच्छा मैं प्रार्थना करूँगा लेकिन एक शर्त पर, और वो ये है कि अगर तुम कोई अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ोगी तो फिर तुम्हारी लैला जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझको ना मीट खाना बहुत पसंद है और इसलिए मैं मीट खाना छोड़ दूँगी अगर मेरी बेटी ठीक होगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी फिर प्रार्थना करूँगा। सो आई चैंटेड हरे कृष्णा एंड आई प्रे टू द लॉर्ड कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो उसकी बेटी ठीक हो जाए। और उसने भी अपना प्रतिज्ञा का पालन किया, प्रॉमिस का पालन किया और उसने मीट खाना छोड़ दिया। तो मुझसे आके मिली, उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मेरी बेटी अब ठीक हो गई है। दो दिन की बात मुझसे जब मिली तो बेटी ठीक हो गई थी। और उसके बाद उसने बहुत धन्यवाद दिया कि एक्चुअली इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया तो उनका मन अब बहुत शांत रहता है। तो जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। वास्तव में मीट जैसे ही बहुत ही गर्म चीज़ है, उसमें इज वेरी राजसिक एंड तामसिक, तो इसको खाएंगे तो हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे परसेप्शंस भी वैसे ही हो जाएंगे। सो गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक और बात सामने आती है वो ये है कि देखिए सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है तो जो भगवान की बनाई चीज़ है हम क्यों नहीं खा सकते उसको? बाबा देखिए, हर वो चीज़ जो भगवान ने बनाई है ज़रूरी नहीं है वो खाने के लिए ही बनी है। अफीम भी है, क्या अफीम हम खाएंगे? जहर भी है, क्या जहर हम खाते हैं? पोटेशियम साइनाइड का भी खाएंगे हम? नहीं। तो ऐसी हर वो चीज़ जो उग रही है ऐसा नहीं है कि वो खाने के लिए ही बनी है। जैसे कि प्याज और लहसुन, कि प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं, भाई ज़मीन से उगता है, सब्जी है, भला प्याज क्यों नहीं खा सकते इसको? देखिए प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक है स्क्रिप्चुअल रीज़न, एक है साइंटिफिक रीज़न और एक है स्वाद का रीज़न। सबसे पहले लेते हैं स्क्रिप्चर्स का रीज़न। तो स्क्रिप्चर्स हमें ये बताते हैं कि जब भगवान ने एक बड़ा विशेष अवतार लिया था, मोहिनी अवतार, और उन्होंने राहु का जब गला काटा सुदर्शन चक्र से, तो राहु नाम के राक्षस का जब सर कटा तो उसके गले से जो हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा और जहाँ पर खून गिरा वहाँ से प्याज उगा। इसलिए प्याज लाल रंग का होता है और लहसुन जो होता है वो वाइट रंग का होता है। तो एक राक्षस की हड्डी और मांस की ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि तामसिक होगी या सात्विक होगी? ऑफकोर्स तामसिक होगी, राजसिक होगी, सात्विक तो बिल्कुल नहीं होगी। आप कोई कह सकते हैं अरे जी ये तो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, इनमें थोड़ी ना विश्वास करेंगे हम। ओके, तो अभी हमने स्क्रिप्चुअल रीज़न लिया था, अब हम आते हैं साइंटिफिक रीज़न के ऊपर। ये जो पदार्थ है जैसे कि मशरूम हो गया, या फिर मशरूम तो देखिए फंगस है, फंगस तो तामसिक होगी ही होगी, प्याज और लहसुन है, इनके अंदर एक खास तरह के पार्टिकल मिलते हैं जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि बड़े ही अनस्टेबल होते हैं, तो अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ जुड़ करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की क्वालिटी है जलाना, तो शरीर में है जलन ज़्यादा होगी, इन द सेंस वियर एंड टीयर जल्दी होगा, या लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी मरेगा। और तो आप प्याज लहसुन से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, इसलिए अक्सर पायलट्स को 7-8 घंटे पहले फ्लाइट में जाने से पहले उनको प्याज और लहसुन का सेवन के लिए मना किया जाता है। मतलब दारू, शराब हो, मदिरा हो या सिगरेट हो, ये तो बिल्कुल नहीं पीना, और प्याज लहसुन तक भी नहीं लेना क्योंकि इससे भी हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर वो वीक होती है इससे। तो ये है इसका साइंटिफिक रीज़न कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बॉडी में घर्षण जल्दी होगा, हम जल्दी बूढ़े होंगे और जल्दी मरेंगे। आप कोई बोले जी हम तो जी साइंस को नहीं मानते, हम तो आर्ट स्टूडेंट रहे हैं, हम तो साइंस को मानते ही नहीं। तो भले कोई आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, एक चीज़ तो सभी के पास है, वो है जीभ का स्वाद। अगर ग्रेवी बनाई जाती है प्याज और लहसुन की तो
तो सारी की सारी सब्ज़ी में सिर्फ एक ही स्वाद रहेगा, वो है प्याज और लहसुन का स्वाद, क्योंकि इनकी गंध इतनी स्ट्रांग होती है कि ना तो आपको पालक का स्वाद पालक वाला मिलने वाला है, ना आलू का स्वाद आलू वाला मिलने वाला है, ना गोभी का स्वाद गोभी वाला मिलने वाला है, ना मटर का स्वाद मटर वाला मिलने वाला है। तो जैसे ही ये सब्ज़ी में आते हैं इनका गुंडाराज चालू, कहेंगे ए पालक तू क्या कर रहा है यहाँ पर, बैठ जा। ओए मटर मटर कश्ती करता है, बैठ जा। ओए आलू देखा नहीं यहाँ दो गुंडे आ गए, प्याज और लहसुन चंगू मंगू, हाँ बैठ जाओ। अब सब्जी में सिर्फ हमारा टेस्ट रहेगा, समझे? तो दे लाइक गुंडा इन द सब्जी। तो अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जी का स्वाद प्राकृतिक रूप से आपको वो मिले जो कि भगवान ने डाला है, तो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्याज लहसुन जो है हमारे जॉइंट्स के लिए बड़ा अच्छा है, बीपी के लिए बड़ा अच्छा है, तो हमें लेना चाहिए। देखिए इसके ऊपर आज भी विवाद है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं कि ऐसा खाने से हमारे जॉइंट्स अच्छे होंगे या हमारा बीपी अच्छा होगा। अगर कोई पीएचडी करता है तो थीसिस में कोई व्यक्ति कुछ भी प्रूव कर सकता है, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। और अगर हम मान भी लें कि इससे कुछ फ़ायदा होता है, अगर हमारी बुद्धि राजसिक होती है तामसिक होती है, हमारी उम्र कम होती है और उसके बदले में मेरे घुटने थोड़े से ठीक हो गए, तो इसमें नुकसान है या फ़ायदा ज़्यादा है? इसमें नुकसान ज़्यादा है। सो दैट पेज वी शुड नॉट कंज्यूम अनियन एंड गार्लिक, भले ही ये ज़मीन से उगते हैं। फिर एक और बात आती है, ठीक है फिर हमें क्या खाना चाहिए? फिर हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, राइट? वेजिटेरियन खाना चाहिए। वेल देखिए वेजिटेरियन क्या है, ये भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर हम पेड़ पौधों को मार के खाते हैं तो भी हम पाप करते हैं। तो ना तो हमको तो हमें ना तो वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, बाकी जो कुछ भी है वो आप खा सकते हैं। तो आप कहेंगे अरे तो खाएंगे क्या, ना तो वेजिटेरियन खा सकते हैं ना नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, तो हम क्या करें भाई? वेदर वी शुड बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, व्हाट वी शुड बी, क्या बन जाए फिर हम? वेल हमको दोनों ही नहीं बनना, हमको ना तो वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन, हमको बनना है कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन का मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन के, तुलसी पत्ता रख करके जब भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान को भोग लगने के बाद अब जब वो प्रसाद बन जाता है तो ये बन जाता है कृष्णाटेरियन, और इसमें पाप बिल्कुल नहीं लगता बल्कि इसमें भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए ना तो हमें वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें बनना है कृष्णाटेरियन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।